बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो आतिफ असलम ने प्ले किया हुआ है नादिया खान के शो में, प्यार दीवाना होता है और सुनो किसी शायर ने, इसके जो पैटर्न था वो उसने कैसे यूज़ किया हुआ है एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने भी डिबेट बनाया था उस पर। तो मैं ये बताने लगा हूँ और इसके मैं दो पार्ट्स में बताऊँगा, पहले यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन और फिर पिकिंग पैटर्न क्या है इसका, ये दोनों चीज़ें। सबसे पहले है इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर ये दो फिंगर सिर्फ यूज़ होनी है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। और इसके लिए सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को प्लेस करें 1 2 3 4, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड फ्रेट और फिफ्थ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। सिर्फ ये दो फिंगर्स को यूज़ करना है थ्रू आउट, बल्कि बाकी जगहों में तो एक फिंगर यूज़ होना है। अब जब मैं पिकिंग पैटर्न बताऊंगा तो उसमें ये चीज़ पहले जान लें कि इसमें तीन स्ट्रिंग्स जो हैं वो यूज़ होंगी। अब मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सिर्फ तीन फॉर्मेशन हैं। पहली फॉर्मेशन में दो फिंगर्स को यूज़ करते हुए इसी तरह ही प्रेस रखना है। अगली फॉर्मेशन में इंडेक्स फिंगर को एक स्ट्रिंग ऊपर ले आना है और इस फिंगर को हटा देना है, यानी इसके बाद सिर्फ ये फर्स्ट फिंगर जो है ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में प्लेस है। और इसके बाद इसी फिंगर को दोबारा नीचे ले आना है। अब मैं बताऊंगा पिकिंग पैटर्न। पिकिंग पैटर्न में मैं स्ट्रिंग्स के नंबर्स बताऊंगा 1 2 3 4 5 6, तो ये फिफ्थ फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर रिवॉल्व करेगा। तो पहले वाले फॉर्मेशन पे जिसमें दो फिंगर्स यूज हो रही हैं, पैटर्न मैं बता रहा हूँ, पिकिंग पैटर्न, पिकिंग पैटर्न ये है 5 4 3, 5 4 3 4 5, ये पूरा पैटर्न है 5 4 3, 5 4 3 4 5, 5 4 3, 5 4 3 4 5, इसको रिपीट करते रहना है। पैटर्न्स को, पिकिंग पैटर्न को और फॉर्मेशंस के दरमियान शिफ्टिंग कैसे करनी है। पिकिंग पैटर्न ये था 5 4 3, 5 4 3 4 5, हर दफा जब 5 पे एंड होगा पूरा पैटर्न तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मेशन पे चले जाना है। जैसे